तो गाइस आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक ऑक्टोपस टाइप पर जिसे आप कहते हैं एक गोरिल्ला पर। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सौरभ और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक ऑक्टोपस टाइप पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि उससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे अनबॉक्स करना। तो फ्रेंड्स ये है हमारा बॉक्स जिसके अंदर है हमारा ऑक्टोपस ट्राइपॉड और ये है मेरे पास एक नाइफ जिससे हम काटेंगे इसका टेप। यहाँ से ये खुल चुका है और बॉक्स की पैकिंग तो बहुत अच्छी लग रही है अब तक। देखते हैं अंदर क्या है। आई थिंक ये हमें इस साइड से भी खोलना है। और फ्रेंड्स मैं इसे खोलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फ्रेंड्स जब हम बॉक्स को खोलते हैं तो हमें कुछ ऐसा ऑक्टोपस ट्राइपॉड मिलता है जो एकदम सकर्स की तरह लगता है ऑक्टोपस का और हमें मिल जाता है एक मोबाइल होल्डर। अगर आपके पास एक DSLR कैमरा नहीं है तो फिर आप मोबाइल से भी वीडियो शूट कर सकते हैं। और ये देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है और यहाँ पे नीचे ग्रिप दी गई है जिससे ये डिस्टर्ब ना हो और ऊपर की तरफ आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाता है जिसमें आपको ये अपना मोबाइल होल्डर कुछ ऐसे फिक्स नहीं करना क्योंकि ये स्क्रू बहुत बड़ा हो जाता है। तो एक्चुअली में ये एक स्क्रू कैप है जो अंदर एक हमें एक स्क्रू मिलता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है ताकि वो स्क्रू टूट ना जाए। तो फिर आप इसे कुछ ऐसे निकाल भी सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे निकाल दिया है और ये स्क्रू कैप आपको देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होते हैं और अगर ये टूट गया तो फिर ये आपको वापस नहीं मिल सकते हैं। और अब हम इसका मोबाइल होल्डर भी इसमें फिक्स करेंगे। देख सकते हैं मैं इसे अभी फिक्स कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसे किसी भी एंगल से ले सकते हैं। देखिए मैंने इसे कैसे रखा हुआ है। अब हम इसे सीधा कर देते हैं और मैं आपको अभी एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा। तो कभी कभी इसका ये जो स्क्रू है वो नीचे की तरफ चले जाता है तो आपको क्या करना है, आपको नीचे से कुछ सपोर्ट दे देना है क्योंकि यहाँ पे नीचे एक स्क्रू है। नीचे से सपोर्ट देके आप अपना उंगली भी रख सकते हैं और आप इसे अच्छे से एकदम फिक्स कर दीजिए जैसा कि मैं फिक्स कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और अब ये बहुत टाइट हो चुका है और ये हिल भी नहीं रहा है। और यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं अपना मोबाइल। तो मैं अभी मोबाइल फिट करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इसे बहुत संभाल के रख देता हूँ। और फ्रेंड्स ये है मेरा मेरी मम्मी का मोबाइल और यहाँ पे आप धीरे से इसे फिक्स कर दीजिए कुछ ऐसे। और इसकी एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी है, अगर आप इसे फिक्स करके किसी भी एंगल में रखेंगे तो ये बिल्कुल हिलेगा भी नहीं और आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा स्टेबल भी आएगी। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ और आप इससे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों ही कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कर लेंगे कैमरा, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी एक फोटो निकालूंगा। देखिए कितनी स्टेबल है और आप इससे सेम वीडियो भी निकाल सकते हैं।
अभी मैं अगर मुझे वीडियो नीचे से ऊपर निकालना है तो फिर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूंगा और इसको थोड़ा सा ऐसे। क्या आप देख सकते हैं ये कितना फ्लेक्सिबल है? पर अगर आप इसे ज्यादा फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये टूट भी सकता है। तो फ्रेंड्स, आज से मेरी बहुत सारी वीडियोस स्टेबल आएगी। वैसे अभी भी आ रही है स्टेबल, बट आगे जाते हुए भी बहुत अच्छे से स्टेबल आएगी। और फ्रेंड्स, जब आप इसे यूज ना कर रहे हो तो फिर आप अपना मोबाइल धीरे से निकाल लीजिए अपने होल्डर में से, और अपना मोबाइल होल्डर भी निकाल लीजिए जिससे टूटने का कोई चांस ना रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप इसका स्क्रू कैप लगा लेंगे तो ये और भी सेफ है, क्योंकि इसका स्क्रू भी प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि स्क्रू ही इसका बेस है जिससे ये जॉइंट होता है। और मैं इसका स्क्रू कैप लगा दूंगा। और अब मैं इसे स्ट्रेट कर दूंगा। पकड़ के आप अपना इंट्रो वीडियो भी शूट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका अप्रोक्सीमेट हाइट है 10 इंच, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसका मैक्सिमम वेट होता है 200 ग्राम। और अगर आपको लगता है कि आपके ऑक्टोपस ट्राइपॉड में कोई खराबी है तो फिर वो रिसेप्ट के साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं जिससे आप कॉन्टैक्ट करके जो सेलर है उन्हें पूछ सकते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ है। और फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और फ्रेंड्स, ये एक मल्टीपर्पज ट्राइपॉड है, जिसका मतलब है कि आप इसे मोबाइल से भी शूट कर सकते हैं और कैमरा से। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसे कैमरा से कैसे शूट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास एक कैनन का कैमरा, और आपको हर कैमरा के नीचे एक ये स्क्रू पे फिट करने का एक होल मिल जाता है। तो मैं आपको अभी फिट करके दिखाऊंगा। पहले तो आप स्क्रू कैप हटा लीजिए। आप नीचे से इसे सपोर्ट दे दीजिए, और ये जहाँ पे हमारा होल है उसके ऊपर लगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके नीचे सपोर्ट देके अपना कैमरा फिक्स कर लिया है, और ये कैमरा के लिए भी बहुत ज्यादा स्टेबल है, और आप इसको अच्छे से पकड़ के शूट भी कर सकते हैं वीडियो। देखिए, अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, बहुत ज्यादा स्टेबल। फ्रेंड्स, आप इसे आराम से निकाल भी सकते हैं। तो मिलते हैं आपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।